हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज अपने बात करते हैं इस वीडियो में सी टेट की कट ऑफ के बारे में। 2019 की दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में पूरी जानकारी बता देता हूँ, और कब आएगी इसके बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, आपने ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाए, और प्लस पास में जो नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सी टेट की अपने चैनल पर सबसे पहले न्यूज़ डाली जाती है और आप समय समय पर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार रिजल्ट आएगा, जो सी टेट कट ऑफ 2019 अपेक्षित और पिछले वर्षों के कट ऑफ मार्क्स से 12 जुलाई 2019 को जो लोकेश गुप्ता द्वारा अपडेट किया गया था, ठीक है। तो सी टेट कट ऑफ जो CBSE अगस्त 2019 के महीने में परिणाम की घोषणा के साथ जो सी टेट 2019 की कट ऑफ जारी करेगा, ठीक है। और उम्मीदवारों को परीक्षा और श्रेणीवार अपने जो दोस्तों जब भी आएगा इसके बारे में ये आपकी साइट दी है, लेकिन दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की साइट की आवश्यकता नहीं। मैं आपको जैसे भी रिजल्ट आएगा आपको समय पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे उस वक्त बता देंगे कैसे चेक करना है आपका रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। तो CBSE परिणाम की घोषणा से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर सी टेट उत्तर कुंजी भी जारी करेगा, जो आप उत्तर कुंजी तो आ चुके हैं दोस्तों। सामान्य वर्ग के लिए अर्हक अंक जो 90 और OBC SC ST श्रेणियों के लिए 82.5, ठीक है, आवश्यक अंक है। तो प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को सी टेट पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। भर्ती होने वाले स्कूल अस्थायी रिक्त को भरने के लिए कट ऑफ में कुछ छूट भी दे सकते हैं, यानी दोस्तों कई बार कट ऑफ ले उसके आधार पर जो छूट भी दी जाएगी जैसे भी रिक्त पद होंगे इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो सी टेट कट ऑफ 2019 के लिए अगस्त महीने में सी टेट 2019 का परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया जाएगा। एक बार परिणाम के साथ अधिकारी रूप से जारी किए जाने के बाद कट ऑफ को यह अपडेट किया जाएगा। नीचे दिए गए इस सत्र के अपेक्षित कटौती है, ठीक है दोस्तों, यानी जनरल की वह 90 है और अन्य पिछड़ा वर्ग 85, अनुसूचित जाति 82 और अनुसूचित जनजाति वो है 82, ठीक है दोस्तों। इस बीच उम्मीदवार योग्य होने के लिए परीक्षा में स्कोर करने के लिए सी टेट 2018 पास प्रतिशत और पिछले वर्षों के कट ऑफ की जांच कर सकते हैं कि उन्हें कितना स्कोर करना है, ठीक है दोस्तों। ये थी आज के बारे में न्यूज़ दोस्तों, जैसे भी आगे की अपडेट न्यूज आएगी तो मैं आपको समय समय प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।